हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेस सर अनलिमिटेड ऑन आप सभी का स्वागत है मैथ्स स्पेशल क्लासेस में मैथ्स बूस्टर क्लासेस में और स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को आज है तारीख चार जनवरी और चलिए तो स्टार्ट करेंगे मैथ्स की क्लासेस आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं देखिए क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन का कहना है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ इज अ फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है ओके एंड जी एक दूसरा फंक्शन है दैट इज आल्सो फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और कुछ इस प्रकार का फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है और जी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है तो आपको बताना है कि तो आपको यहां पर बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वो मान बताइए जिसके लिए जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना हो आठ हो ओके okay, तो आपको x का वो मान बताना हो जिसके लिए जी ऑफ एक्स का मान आठ हो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आइए देखते हैं कैसे करते हैं तो देखिए क्या दिया गया हाँ, आपके पास आपके पास इन्फॉर्मेशन दी गई है कि गॉफ ऑफ एक्स जो है वो एट है ओके okay, <coughs> तो गॉफ एक्स की वैल्यू एट दी गई है सो g पर एफ एक्स अप्लाई करना है g पर एफ एक्स कितना है टू एक्स प्लस थ्री एंड टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एट तो आपके पास g क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है तो x की जगह हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ओके टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल्स टू एट तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सो इट विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस तीन और दो छ 6, और 6 और छो कितना हो गया बारह प्लस नाइन प्लस सेवन इक्वल्स टू एट ठीक है ना? <coughs> तो नौ सात सोलह और सोलह और बारह अट्ठाइस ठीक है और 28 में से 9 सात 16 और 16 अच्छा यहाँ पे x आएगा ठीक 9 सात 16 16 में से 8 गए तो इधर पे 8 बच जाएगा सो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट इक्वल्स टू ज़ीरो फोर कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कर लीजिए आपके पास में तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू मतलब कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस का वन तो यहां पर क्वेश्चन में x और x की वैल्यू बोली गई थी तो एक ऑप्शन में था माइनस वन एंड माइनस टू सो दैट इज करेक्ट आंसर चलिए क्लियर है सभी को ओके अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आया है एग्जाम में इफ ई टू पावर एफ एक्स अगर ई e की पावर एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है टेन प्लस एक्स अपॉन टेन माइनस एक्स ओके और यहां पर कहा जा रहा है कि एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस टेन टू प्लस टेन एक्स की वैल्यू जो है माइनस टेन टू प्लस टेन है एंड एफ एक्स की वैल्यू आपको और दिया गया है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एफ ऑफ टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दिया गया आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ हंड्रेड एफ टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर देन के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है चलिए निकालिए के की वैल्यू क्या होगी बताइए सॉल्व कीजिए ओके सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है ओके okay. सॉल्व कीजिए इसको के की वैल्यू निकालिए देखिए कैसे सॉल्व होगा क्या कंडीशन क्या परिस्थितियाँ दी गई हैं सबसे पहले ई e की पावर एफ दिया गया तो लॉग ले लीजिए तो लॉग लेने से आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टेन माइनस एक्स ये आ गई आपके पास एफ की वैल्यू अब कह रहा है कि जो एफ है वो के टाइम्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है के टाइम्स ऑफ एफ़ टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर सो एफ़ एक्स इक्वल टू दिया है के टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू हंड्रेड अपॉन मतलब लॉग में टेन प्लस एक्स की जगह टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर एंड टेन माइनस टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर ये है और ये किसके इक्वल है एफ एक्स के इक्वल एक है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है ये जो निकाल लिया अपने लॉग टेन प्लस एक्स और टेन माइनस एक्स तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके मैं वैल्यू लिख देता हूँ जिससे कि ये बेहतर रहेगा ओके सो वैल्यू लिख रहा हूँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में लॉग ऑफ टेन प्लस एक्स अपॉन टेन माइनस एक्स रख दिया चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लॉग टेन प्लस एक्स अपॉन टेन माइनस एक्स इक्वल्स टू के लॉग देखिए ऊपर से अगर मैं टेन टेन कॉमन ले लूँ तो टेन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे वन बचेगा यहाँ पे ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी टेन यहाँ पे वन माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का ट्वेंटी और ये तो कैंसिल हो जाएगा और हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी तो हंड्रेड का इसको हम अब लिख सकते हैं हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी और हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है लॉग ऑफ टेन प्लस एक्स अपॉन कुछ देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आंसर बन नहीं रहा है यहाँ पे ओके यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने ली लिखा है यहाँ पे टू हंड्रेड एक्स एक्चुअली ओके okay, तो यहाँ पे एक्स ले आइए यहाँ भी एक्स आ जाएगा तो अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा नाउ इट इज़ फाइन अब सही है तो यहाँ पे मैं एक्स लिखना भूल गया था यहाँ पे एक्स भी है क्वेश्चन में देखा मैंने अभी तो अब ये सही है सो uh, so, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं लॉग ऑफ टेन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टेन माइनस एक्स इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आप देखिए ये क्या है ये है <coughs> ट्वेंटी है इधर पे ट्वेंटी एक्स और एक्स है तो किस तरीके से इसको लिखा जाए कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाए ये है हमारे पास एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर ओके सो एक्स प्लस टेन का स्क्वायर और नीचे है क्या एक्स माइनस टेन का स्क्वायर तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है और यहाँ से टू को मैं आगे कर लूँ सो टू के हो जाएगा और टू के लॉग ऑफ एक्स प्लस टेन अपॉन एक्स माइनस टेन टू के लॉग ऑफ एक्स प्लस टेन अपॉन एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेन प्लस एक्स अपॉन टेन माइनस एक्स अच्छा एक चीज़ देखिए कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा मॉड में हुआ करती है. भले हमने यहाँ पे लिखा नहीं है बट लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती मॉड में होती है तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा इट मीन्स टू के इक्वल्स टू वन सो के इक्वल्स टू कितना आ गया वन बाई टू तो नोट करिए इसका करेक्ट आंसर है के इक्वल्स टू वन बाई टू क्लियर है सभी को ओके yes, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ अगला क्वेश्चन है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सो एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर एक्स ओके आपको बताना है देन रेंज ऑफ द फंक्शन बतानी है आपको कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी मतलब f की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी ओके तो स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन देखिए आपके पास कॉस स्क्वायर तो है ये साइन की पावर फोर है सो मोर बेटर यू कैन राइट लाइक दिस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो ये क्या हो गया मेरे पास एफ़ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस <coughs> कॉस की पावर फोर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ओके और ये कितना हो जाएगा प्लस का वन तो ये हो गया कॉस की पावर फोर एक्स और टू कॉस स्क्वायर एक्स मतलब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का वन ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है अब फंक्शन की रेंज निकालने का बेटर तरीका है क्योंकि कॉस है तो इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए जिससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा सो ये इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स और वन बाई टू का डिवाइड कर दिया और प्लस वन है तो पहले इसको क्या करेंगे हम वन बाई फोर यहाँ पर एड कर देंगे और वन में से वन बाई फोर माइनस कर देंगे सो एफ एक्स इक्वल टू ये क्या बन गया ये बन गया कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई फोर दैट इज इक्वल टू फोर माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर ओके okay. अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन है वाई इसको वाई ले लो थोड़ी देर के लिए बेहतर लगेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर ठीक है हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी प्लस थ्री बाई फोर हमें निकालनी है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी तो आइए स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा पहले हमको इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स आप सबको पता है क्योंकि कॉस एक्स जो होता है माइनस वन टू प्लस वन लाई करता है तो कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा ज़ीरो से लेके वन एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू आपको चाहिए है सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू लाई माइनस वन बाई टू से ले कहाँ तक वन माइनस वन बाई टू दैट इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू ओके सो so, ये आपके पास में कहाँ हो गया माइनस वाइव टू से लेके प्लस वन बाई टू बट आपके पास क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करने से मिनिमम वैल्यू जीरो पे सेट हो जाती है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाएगी पाई बाई फोर वन बाई फोर पे। अब क्या करना है इसके बाद आपको थ्री बाई फोर एड करना है तो थ्री बाई फोर एड कर दीजिए तो थ्री बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इधर भी थ्री बाई फोर एड किया तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर और ये थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर इक्वल्स टू कितना हो गया वन तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू निकलेगी इसकी रेंज निकलेगी वाई बिलोंग्स टू थ्री बाई फोर टू वन आई होप इट इस क्लियर टू यू गाइज ओके थैंक यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन लेट एक्स एंड वाई बी द टू सबसेट्स बी सबसेट्स ऑफ आर मतलब आपके पास रियल नंबर की एक फैमिली है और उस रियल नंबर की फैमिली में से दो फैमिली उठाई गई हैं एक फैमिली है एक्स और एक फैमिली है वाई ओके okay? क्या कहा गया है एक्स इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड वाई इज़ द सबसेट ऑफ आर एक्स एंड वाई आर द टू सबसेट्स ऑफ आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हाँ पता है हमको आर जो होता है सभी रियल नंबर्स का सेट होता है द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई एक फंक्शन हमारे पास है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह से दिखाया गया है फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स कौन सा वाला कैपिटल एक्स ये जो लिखा है ये कैपिटल एक्स के लिए ओके फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज वन वन बट नॉट ऑन टू और कह रहा ये जो फंक्शन है ये वन वन है बट नॉट ऑन टू वन वन तो है मगर ऑन टू नहीं है वन वन तो है मगर ऑन टू नहीं है हियर आर प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर और एक सेट आपको आर प्लस दिया गया है तो आपको बताना है कि डोमेन आपको सिलेक्ट करनी है फंक्शन ये है और आपको डोमेन और रेंज सेलेक्ट करनी है डोमेन और कोडोमेन सेलेक्ट करना है कि डोमेन और कोडोमेन क्या होगा जिसके लिए दिया गया फंक्शन वन वन बट नॉट ऑन टू मतलब एक एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं पर आच्छादक नहीं तो ये आपको सेलेक्ट करना है आओ जी देखो आपके पास क्या दिया गया है पहला ए डोमेन दिया गया है एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू आर प्लस दूसरा दिया गया है x इक्वल्स टू आर एंड y इक्वल टू आर प्लस ये दूसरा डोमेन दिया गया है तीसरा दिया गया है x इक्वल टू आर प्लस एंड y इक्वल टू आर और चौथा दिया गया आपके पास में x इक्वल टू y इक्वल टू आर चलिए आपको बताना है किस सिचुएशन में ये फंक्शन जो होगा एक एक ही तो होगा परंतु आच्छादक नहीं होगा बताइए थर्ड बिल्कुल सही तो देखिए आपके पास जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो भाई ये तो देखो अगर आप वन लाइन पैरेलल लाइन टेस्ट करेंगे तो r पे तो एक एक ही तो फेल हो गया ये तो ये तो हो ही नहीं सकता सबसे बड़ी बात ओके अब ये कह रहा है कि आच्छादक नहीं होना चाहिए आच्छादक नहीं होना चाहिए इसका मतलब हमारे पास में कुछ पॉइंट जो हैं आउटपुट में बचने चाहिए ठीक है ना इस क्वेश्चन का कहना है कि आच्छादक नहीं होना चाहिए मतलब कुछ पॉइंट आउटपुट में बचने चाहिए तो देखिए आउटपुट में आपको पता है कि नेगेटिव वन कभी नहीं आ सकता है क्योंकि फंक्शन किसका है एक्स स्क्वायर का है तो आउटपुट में नेगेटिव वन तब आएगा जब हम यहाँ पे आर लेंगे ऑल रियल नंबर तो ऑल रियल नंबर आउटपुट में इस ऑप्शन में है ओके और एक एक होने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आर प्लस तो करेक्ट आंसर इसका होगा थर्ड आर से लेकर के आर प्लस से लेकर आर मैम आपने इसका बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी जवाब दिया क्या इसकी इसकी और कोई पहचानने की मेथड है क्या आपके पास जल्दी से हाँ गा जी, तो, तो जी हम्म अच्छा 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 मतलब आपने ये टेस्ट कर लिया कि ए, है कि इसमें ये इन्वर्टेबल है इसमें इन्वर्टेबल है और इसमें इन्वर्टेबल नहीं है बट इसमें है ना और इसमें इन्वर्टेबल नहीं है हाँ थर्ड वाला तो वन वन ही नहीं है तो थर्ड वाला वन वन नहीं इसलिए फेल हो गया है ना मैडम चलिए ठीक है तो ये भी आपने बढ़िया चेक किया इन्होंने बताया कि आप ऐसा क्योंकि आपको आच्छादक नहीं है और आच्छादक नहीं होगा फलन तो इन्वर्टेबल नहीं होगा तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा फंक्शन आप चेक कर लो उस जगह को चेक कर लो जहाँ पे ये इन्वर्टेबल नहीं है बहुत अच्छी बात है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक आपके पास कर्व है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और दूसरा कर्व है वाई इक्वल्स टू टू ए ओके विद एक्स एक्सेस विद एक्स एक्सेस और यहाँ पे लिया गया है कि जो टी की वैल्यू है वो वन से लेकर के थ्री के बीच में लाई कर रही है टी की वैल्यू जो है वो वन से लेकर के थ्री के बीच में लाई कर रही है तो देखिए ये तो आप जान चुके हैं कि एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई इक्वल टू टू किसका पैरा ये पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म है और कैन सा कौन सा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू रूट ए एक्स ये अपना परवल आ गया टू रूट एक्स का अब आपको जो लिमिट दी गई है वो टी के पदों में दी गई है बट जो आपको इंटीग्रेशन का एरिया चाहिए है आपको पता है कि इंटीग्रेशन का एरिया होता है एफ एक्स डीएक्स एफ एक्स डी एक्स सर जो लोग थोड़ा सा नॉइस हो रही है प्लीज़ आप लोग इसको नोइस को बंद कर दीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड में वीडियो बन रहा है तो फिर बाद में वो नोइस आती है तो कमेंट में लिखते हैं और उनको परेशानी भी होती होगी तो जब ऑन करना हो जब कुछ बात करना हो तो ज़रूर बताइए आपके इनपुट्स बहुत सराहनीय हैं वैसे को नॉइस वगैरह बैकग्राउंड में हो, तो प्लीज़ बंद कर दीजिएगा देखिए तो एफ एक्स डी एक्स और अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन तो ठीक है यहाँ पर हमारे पास टू कांस्टेंट है रूट ए भी कांस्टेंट है टू रूट ए मैंने ले लिया बाहर और रूट एक्स अंदर आएगा तो ये रूट एक्स हो गया और डी एक्स मगर एक्स की लिमिट हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो x की लिमिट हम x इक्वल टू ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं तो पहली कंडीशन क्या दी गई है t इक्वल टू वन तो t इक्वल टू वन पुट करने पर x की लिमिट कितनी आएगी a और दूसरी कंडीशन t इक्वल टू कितनी दी गई है थ्री तो कितनी आ जाएगी नाइन ए तो a से लेकर के नाइन ए बन चुका है हमारे पास अब आइए इसका एरिया निकालते हैं तो टू रूट ए बाहर बैठा हुआ है और x का कितना हो जाएगा x का हो जाएगा x की पावर थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू ठीक है ना तो टू पल्टी मारकर के ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा टू बाई थ्री तो टू टू ज फोर रूट ए अप थ्री और यहाँ पे लिमिट लगेगी कितनी ए टू नाइन ए ठीक है तो फोर रूट ए बाई थ्री अपर लिमिट रखी यहाँ पे नाइन ए की पावर थ्री बाई टू माइनस ए की पावर थ्री बाई टू ठीक है तो यहाँ से फोर रूट ए बाई थ्री यदि मैं ए की पावर थ्री बाई टू यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ तो नाइन की पावर थ्री बाई टू मतलब नाइन रूट नाइन बोले तो ट्वेंटी सेवन और माइनस का वन तो फोर रूट ए बाई थ्री इंटू ए रूट ए क्योंकि ए की पावर थ्री बाई टू के ए रूट ए लिख सकता हूँ और ये कितना हो गया छब्बीस तो चार ये हो गया ए का स्क्वायर और 26 गुणे चार कितना होता है जी 104 है ना ये 26 भी है और नीचे 3 है तो आंसर 104 सौ चार ए स्क्वायर बाई थ्री वन ए स्क्वायर बाई थ्री एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट आंसर सो गाइज इज इट क्लियर टू यू ऑल ओके ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लिखिए इफ ए बी सी डी ई एफ इफ ए बी सी डी ई एफ इज आ रेगुलर हैग्जोग अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जो है वो एक रेगुलर हेक्सागोन है तो चलिए मैं यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागोन बना लेता हूँ फिर आगे उस क्वेश्चन को लिखते हैं ठीक है तो ये यह यहाँ पे आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागोन बना हुआ है इसका नाम है ए बी सी डी ई और ये है एफ ठीक है इसमें कह रहा है कि अगर ए बी सदिस प्लस ए सी सदिस प्लस ए डी सदिस ओके okay, प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स ऑफ ए डी तो आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी देखिए जो आपके पास सदिश दिए गए हैं वो ए बी दिया गया है ओके okay? ए से लेके बी तक का सदिश ए बी दिया गया है ए से लेके सी तक का सदिश जो है आपके पास ए सी दिया गया है ए से लेकर के डी तक का सदिश जो है ए डी दिया गया है ए से लेके डी तक का सदिश ए डी दिया गया है तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि हमें हर जगह ए डी बनाना है तो देखिए ए डी जो बनेगा वो ए सी और सी डी से बनेगा ठीक है ना और ये सारे के सारे जो हैं इनके डायरेक्शन देख लीजिए ये ए बी है ये बी सी है तो ये ए सी बन जाएगा ये सी डी होगा इसके बाद ए ई e भी जा रहा है तो ए ई e सदिश कैसे बनेगा ए डी प्लस डी ई और इसके बाद ए एफ भी जा रहा है हमारे पास ये ए एफ भी जा रहा है मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक अब हमें इसको सभी को ए डी सदिश में लेके आना है क्योंकि रिजल्ट पूरा का पूरा जो है ए डी सदिश की ओर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए ए ई -E, कहाँ बैठा हुआ है ए ई -E, ये सदिश है ए ई -E, ये देखिए और ए ई -E के बाद मेरे पास कौन सा सदिश है ए ई -E तो मिल गया है और ए ई -E के बाद हम्म टू सदिश तो सारे सही लिखे ना मैंने ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ हम्म ये गलत बनाया मैंने ये और ये ये इस वजह से ये गलती हो रही थी यस ए ई है तो ये ई e डी होगा तब ये ए डी बनेगा राइट right? तो देखिए मेरे पास ये ए -E सदिश है सबसे पहले मैं ए e को लिख लेता हूं और जो ए बी है वो ED के इक्वल है क्योंकि दिशा भी बराबर है और परिमाण भी बराबर है क्योंकि सम है ना रेगुलर हेक्सागन है तो ए e प्लस ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ ED क्या लिख दिया मैंने बी सी क्यों लिख दिया ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूं यहां पर ईडी देख लीजिए ए बी और ईडी e, जो हैं वो आपस में बराबर हुआ करते तो ए बी प्लस ई डी ये मिल जाएगा तो ए बी यूज़ हो गया ए बी की जगह मैंने क्या लगा दिया ई डी और ये यूज हो गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा ए डी वैक्टर बन जाएगा चलो एक की जुगाड़ तो हो गई दूसरा मेरे पास ए डी वैक्टर ऑलरेडी है तो उसको भी मैं लिख देता हूँ ए डी वैक्टर अब मेरे पास क्या बन गया ए सी और ए एफ देखिए ए सी आपके पास पे कहाँ हैं ये आपके पास में ए सी है ओके okay? और ये आपके पास में ए एफ है यहाँ देखिए ए एफ़ और सी डी वैक्टर जो है बराबर होते हैं तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी डी इक्वल टू लैमडा वैक्टर ए डी और ए सी और सी डी ये ए सी है ये सी डी है दोनों ज्वाइन होकर फिर से क्या बना लेंगे ट्राइंगल लॉ से एडी सो ए so, डी वैक्टर प्लस वेक्टर एडी प्लस वेक्टर एडी अगेन इक्वल्स टू लेमडा एडी कंपेयर करने पर कितना जाएगा लेमडा इक्वल टू थ्री डन चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है इलेवन टू पावर एन प्लस टू प्लस ट्वेल्व टू दी पावर ट्वेल्व टू पावर टू एन प्लस वन किस संख्या से विभाज्य है ओके इज डिविजिबल बाई विच ऑफ़ द नंबर एलेवन टू पावर एन प्लस टू प्लस ट्वेल्व टू द पावर टू एन प्लस वन वेयर एन इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह रहा है कि ये किस संख्या से विभाजित हो रही है ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए ट्वेंटी थ्री बी ऑप्शन वन थर्टी थ्री सी ऑप्शन है आपका वन थर्टी वन एंड डी है वन फोर्टी फोर तो देखिए ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एकदम इसमें आपको एन बिलोंग्स टू एन दिया गया तो आप सबसे सिंपल फॉर्म एन इक्वल्स टू वन पुट करिए और अगर आप एन इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 11 की पावर वन प्लस टू यानी कि थ्री ओके एंड ये भी हो जाएगा सॉरी ट्वेल्व की पावर टू एन प्लस वन हाँ तो ट्वेल्व की पावर कितना हो जाएगा ये टू वन या टू प्लस वन थ्री ये भी हो जाएगा ट्वेल्व की पावर थ्री अब एलेवन की पावर थ्री और 12 की पावर थ्री किससे डिवाइड होगा ये देख लीजिए तो आप इसको 11 की पावर थ्री तो लिख देंगे प्लस आप इसको लिख सकते हैं 11 प्लस वन की पावर थ्री सो ये 11 की पावर थ्री है प्लस इसको ओपन कर लें हम लोग तो ये 11 की पावर थ्री ठीक है ये हो जाएगा प्लस थ्री ए स्क्वायर ए प्लस वन प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री इंटू एलेवन की पावर टू प्लस कितना हो जाएगा ये थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री इंटू एलेवन तो देखिए यहाँ से एलेवन की पावर यदि हम थ्री प्लस एलेवन की पावर थ्री कुछ कह रहे हैं दोनों का क्यूब आपको याद है तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फैक्टर पूछा गया है कि इसके जो हैं डिविजिबल किससे होंगे ठीक है ना 23 से 123 से तो मैं आपको ऐसा फॉर्म बता रहा हूँ कि आप आगे इसको उसमें बदल पाएँ एलेवन की पावर थ्री प्लस एलेवन की पावर थ्री और यहाँ से थ्री इन टू एलेवन का स्क्वायर प्लस वन यदि आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं चलिए आपके तरीके से यदि कहा जाए इसको पूरा पूरा सॉल्व करना तो ये आपके पास एलेवन का क्यूब होता है वन थ्री थ्री वन और ट्वेल्व का क्यूब कितना होता है सत्रह सौ अट्ठाईस हाँ तो अब इसको देख करके के बताइए कि इसको कौन डिवाइड करेगा तो इसको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर ये कितना आ रहा है आठ और एक नौ तीन और दो पाँच सात और तीन दस और एक और एक दो एक तीन तीस सौ उनसठ और तीस सौ उनसठ को कौन कौन डिवाइड करेगा ऑप्शन से आपको डिवाइड कर करके देखना है तो ऑप्शन में डिवाइड करके देखिए तीस सौ उनसठ को कौन कौन डिवाइड करता है कैलकुलेटर निकालिए देखिए क्या तेईस डिवाइड कर रहा है तेईस क्या डिवाइड कर रहा है आप लोग बताइए no, नहीं कर रहा तेईस थ्री जीरो फाइव नाइन को क्या ट्वेंटी थ्री डिवाइड नहीं करता कैलकुलेटर निकाल के मैंने डिवाइड करने को कहा ना थ्री जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी नाइन हाँ नहीं डिवाइड कर रहा है ओके okay. बिल्कुल सही देन इसके बाद थ्री ज़ीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई वन थर्टी थ्री करिए हाँ ये क्या हो रहा है भाई तेईस बार जा रहा है तो तेईस को डिवाइड कर दिया इसमें नहीं गया ऐसा कैसे हो सकता है ट्वेंटी थ्री से डिवाइड हो रहा ना सर, सर।, सर। फॉर्मूला हाँ एक क्यूब प्लस बीक्यूब का फॉर्मूला बिल्कुल सही कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly. उससे ज्यादा सरल हो जाएगा तो सर यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं ट्वेंटी थ्री भी आ रहा है और वन थर्टी थ्री भी आ रहा है उसे मत बंद करो रहन दो युवराज छोड़ दो उसको अच्छा मैं लगा लेता हूं हाँ जी तो ये सर सही कह रहे हैं एकदम कि इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से यहां पे डिवाइड कर इसको लिखिए तो आपको जल्दी बन जाएगा क्योंकि डिवाइड करने में बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी एलेवन प्लस ट्वेंटी थ्री बोले तो ट्वेंटी थ्री तो पहला फैक्टर तो दिख गया और ए का स्क्वायर यानी वन ट्वेंटी वन माइनस ए बी एलेवन इंटू वन अलेवन इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा दो एक तीन एक सौ इक्तीस और प्लस वन फोटी फोर सो ये हो गया ट्वेंटी थ्री और ये हो जाएगा वन थर्टी थ्री मतलब यहां पर दो फैक्टर हैं इसके और दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो इनका इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है तो इसके दो फैक्टर आएंगे मतलब क्वेश्चन ये टेक्निकली इनकरेक्ट था इसके दो ऑप्शन में सही आंसर आ रहे हैं क्लियर सभी को yes, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स थ्री ब्लैक एंड फोर वाइट बॉल अ बैग कंटेन थ्री ब्लैक एंड फोर वाइट बॉल एक बैग में तीन काली और चार सफेद बॉल हैं टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट इसमें से दो बॉल जो है टोटल यहाँ पर चार और तीन कितने हो गई सात बॉल्स हो गई इसमें से दो बॉल जो है वन बाई वन निकाली गई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है कि सेकेंड ड्रॉन बॉल वाइट हो पहली बॉल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है पहली बॉल कुछ भी हो सकती है तो पहली बॉल के लिए दो केसेस हैं तो प्रोबेबिलिटी दो प्रकार से बनेगी हो सकता है कि पहली वाली ब्लैक निकल आए और दूसरी वाली वाइट निकले या या का मतलब और और का मतलब प्लस पहली वाली भी वाइट निकल आए और दूसरी वाली भी वाइट निकल आए डिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है तो अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा ये ब्लैक फिर वाइट और वाइट फिर वाइट तो चलिए ब्लैक खींचते हैं तो ब्लैक कितना खींचेगा थ्री सी वन आउट ऑफ सेवन सी वन मल्टीप्लाई वाई अब वाइट खींचनी है तो वाइट टोटल मेरे पास कितनी है चार हैं तो चार में से एक गेंद खींचना है बट आउट ऑफ सिक्स सी वन है तो थ्री सी वन अपॉन सेवन सी वन प्लस फोर सी वन अपॉन सिक्स सी वन एंड वाइट कॉमा वाइट तो टोटल फोर सी वन आउट ऑफ सेवन सी वन इंटू थ्री सी वन अपॉन सिक्स सी वन ये होंगे पॉसिबल केसेस तो तीन गुणे चार और नीचे सात गुणे छः और प्लस चार गुणे तीन और नीचे सात गुणे छः सात छः बयालीस सा आएगा एलसीयम और ऊपर कितना आ जाएगा जी चार तीन बारह बारह और बारह हो गया चौबीस तो काट दीजिए इसको छ से चार बार छ से सात बार आंसर फोर बाई सेवन डन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स वेरी इजी क्वेश्चन दौड़ लगा के करने वाला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस थ्री अपॉन एक्स होल्ड टू द पावर एक्स बोलिए आंसर एक सेकेंड में e की पावर थ्री ओके इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नोट कर लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो इन्फिनिटी वन प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एक्स हो तो आंसर होता ही की पावर ए कुछ भी हो ये क्या फॉर्मेट बनेगी वन की पावर ज़ीरो की फॉर्मेट बनेगी इसमें तो एक मंकी ट्रिक भी होती है उससे भी आप कर सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक तो ये है और दूसरा नोट कर लीजिए लिमिट एक्सटें टू ज़ीरो वन प्लस ए एक्स की होल पावर वन बाई एक्स इक्वल्स टू कितना ई e की पावर ए ये भी नोट कर लीजिए वन प्लस ए एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जैसे लाइक एग्जांपल लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन प्लस फाइव एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स ओके आंसर कितना होगा ई e की पावर फाइव एक और फॉर्मेट नोट करजिए लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स की होल पावर ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए ठीक है तो टोटल तो मैंने आपको तीन फॉर्मेट लिखवा दिए यहाँ पे एक बार उनको समराइज़ कर देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनी पहला फॉर्मेट मैंने आपको बताया लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए अपॉन एक्स होल टू दी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए फिर मैंने आपको बताया अगला फॉर्मेट इसमें एक और फॉर्मेट भी बन सकता है लिमिट टेंस टू तो इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर ए एक्स यदि ये आएगा तो ये भी की पावर ए ही बनेगा और दूसरा देख लीजिए इसी के जैसे लिमिट टेंस टू तो ज़ीरो वन प्लस एक्स वन प्लस ए एक्स की पावर वन अपॉन एक्स तो ये होगा ए e की पावर ए और लिमिट टेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस एक्स की पावर ए बाई एक्स ये भी क्या बनेगा ए e की पावर ओके yes, okay. तो ये ट्रिक इम्पॉर्टेंट है इस ट्रिक का ख्याल रखिए इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बेहतर बेहतर बनते हैं उसके बाद आप मंकी ट्रिक भी इसको यूज़ करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में <गणागाँ> क्या मैडम क्या कह रही हैं थोड़ा सा जल्दी अच्छा ग्यारह बज के पाँच मिनट हो गए मैं नौ साढ़े नौ तक स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा मैम अब वो क्या है उदय सर की भी क्लास होती है तो आज उनकी भी लाइव सेशन था तो इस वजह से हम लेट भी शुरू करें जी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में जो है परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स और आपके पास जो है कोटी कोटी मतलब कि कोटी और भुज कोटी मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू फोर के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बताइए तो बताइए प्लीज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स और एक्स इक्वल टू वन ये एक्स इक्वल टू वन लाइन है और x इक्वल टू फोर के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको बताना है ठीक है ना तो टोटल एरिया क्या होगा आपके पास में देखिए टोटल एरिया टू टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा शेडेड आउट होगा टू टाइम्स वन टू फोर टू एक्स का डी एक्स सो सो सिंपल इट इज़ सॉरी ये रूट टू एक्स हो जाएगा टोटल सो टू रूट टू बाहर आ गया एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन ये हो जाएगा टू बाई थ्री पलट मार के ऊपर आ गया एक मिनट जी ये गलत लिख दिया मैंने तो ये कितना हो गया फोर बाई थ्री और x की पावर थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू वैल्यू डालता हूँ तो फोर रूट फोर यानी कि एट और माइनस वन तो कितना हो गया सात गुणे चार अट्ठाईस और ट्वेंटी एक रूट वूड एक रूट टू छूट गया यहाँ पे रूट टू था जो लिखना था मेरे को हाँ ट्वेंटी एट रूट टू बाई थ्री स्क्वायर यूनिट डन इट इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से बहुत रोचक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सो क्वेश्चन इज वी हैविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक वर्ग समीकरण है एट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो आपके पास इक्वेशन है और आपको बताना है कि इसके मूलों की संख्या क्या होगी देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपके पास किस फॉर्म में है सेक की फॉर्म में है एक्स की फॉर्म में नहीं है तो इसको आपको पहले ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में लेकर के आना है जिसको आप पहचानते हो ठीक है ना तो आप एक काम करिए इसको सेक की फॉर्म में ही सॉल्व कर लीजिए या इसको कॉस की फॉर्म में भी ला सकते हैं बट आपको फाइनली सेक के बारे में पता होना चाहिए कि सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है या उसको फिर बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो आप एक काम करिए यहाँ पर सेक एक्स सेक थीटा को जेड ले लीजिए लेट सेक थीटा इज इक्वल टू जेड सो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास में एट जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो तो मल्टीप्लाई करने पर एट तो चार और माइनस दो एट जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड माइनस टू जेड प्लस वन टू जीरो सो फोर जेड टेकिंग एज कॉमन तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टू जेड माइनस वन और माइनस वन कामन तो टू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो फोर जेड माइनस वन एंड टू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो तो फोर जेड इक्वल्स टू वन तो जेड इक्वल टू वन बाई फोर एंड टू जेड इक्वल्स टू वन तो जेड इक्वल टू वन बाई टू अब देखिए जेड क्या है sec थीटा तो sec थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर एंड सेक् थीटा इज इक्वल टू कितना वन बाई टू अब आपको सेक् थीटा का डोमेन पता होगा कि सेक् थीटा का जो ग्राफ होता है वो माइनस वन से लेके वन के बीच में होता ही नहीं है जो सेक् थीटा का ग्राफ हुआ करता है वो माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई ही नहीं करता है क्योंकि सेक् थीटा जो होता है वो उसकी जो रेंज आती है सेक् थीटा की मैं आपको बता देता हूँ माइनस इन्फिनिटी सॉरी माइनस इन्फिनी टू माइनस वन यूनियन माइनस इन्फिनीटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी तो ना तो सेक्ट थीटा वन बाई फोर हो सकता है ना तो सेक्ट थीटा वन बाई टू हो सकता है अगर आपको इसमें डर लग रहा तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू फोर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू तो टू आपको पता है कॉस्ट की मिनिमम वैल्यू माइनस वन मैक्सिमम प्लस वन तो ये दोनों ही संभव नहीं है तो आंसर इसका क्या होगा नो सल्यूशन आंसर हाउ मेनी रूट्स आर देयर नो रूट्स आर देयर मूलों की संख्या कितनी है शून्य ओके okay. तो ऑप्शन में यदि मूलों की संख्या कुछ नहीं दी होगी शून्य नहीं दी होगी तो देखिए दो अलग अलग सवाल हैं कि मूल क्या है और मूलों की संख्या कितनी तो यहां पर मूलों की संख्या पूछी है कि इसके कितने मूल होंगे तो आंसर इसके कोई मूल नहीं होंगे मतलब इसके शून्य मूल होंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो पे टिक लगाइएगा क्योंकि कोई रूट्स नहीं है मतलब नो रियल रूट्स और नो no मतलब कितना जीरो डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी तो आपको बताना है कि टेन एक्स अपॉन टेन वाई की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन जो है वो ए बी के टर्म्स में है पहला ऑप्शन है बी अपॉन ए सेकेंड ऑप्शन इज ए अपॉन बी थर्ड ऑप्शन इज ए बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज दिस देखिए चारों ऑप्शन ए बी के टर्म्स में है कंपोड एंडो डिविडेंडो यस बिल्कुल सही तो कंपोडेंडो डिविडेंडो भी कर सकते हैं बट मैं आपको इसको ट्रिक का इस्तेमाल करना बता रहा हूं कि इसमें ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप एक काम करिए एक्स और वाई की वैल्यू कुछ मान लीजिए आप एक्स की वैल्यू मान लीजिए थर्टी और वाई की वैल्यू मान लीजिए सिक्सटी ठीक ना आपने एक्स इक्वल टू सिक्सटी थर्टी मान लिया तो ये कितना हो गया ऊपर हो गया साइन नाइन्टी और नीचे कितना हो गया साइन थर्टी क्यों मान लिया आपने एक्स इक्वल टू सिक्सटी डिग्री और वाई इज़ इक्वल टू थर्टी डिग्री ऐसा करने पर आपके पास देखिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी साइन नाइन्टी होता है वन और ये कितना होता है वन अपॉन साइन थर्टी कितना होता है वन बाई टू तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सॉल्व होके कितना आ जाएगा टू आ जाएगा ओके okay. यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए माइनस टू टाइम्स ऑफ बी तो ये हो जाएगा माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस का थ्री बी माइनस माइनस कैंसिल a बी इक्वल टू कितना हो गया थ्री मतलब एक्स और वाई के इस पेयर पर ए अपॉन बी की वैल्यू थ्री आ रही है एक्स और वाई के इस पेयर पर ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री आ रही है ठीक है ना अब हम देखते हैं कि टेन एक्स अपॉन टेन वाई की वैल्यू इस पेयर पे क्या आ रही है तो टेन एक्स की वैल्यू टेन सिक्सटी डिग्री और टेन थर्टी डिग्री टेन थर्टी डिग्री टेन सिक्सटी हो गया रूट थ्री और ये हो गया वन अपॉन रूट थ्री तो आंसर कितना आ गया थ्री और थ्री जो है ए अपॉन बी के टर्म्स में क्या है ए बाई बी तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ए अपॉन बी ओके तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए अपॉन बी अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा अदरवाइज आपको कंपोडेंडो डिविडेंडो लगा करके साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी एड हो जाएंगे फिर कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो टेन एक्स अपॉन टेन वाई की फॉर्मेट में टूट जाएगा तो तो अच्छा। जी ये तो ज़्यादा अच्छा।, अच्छा ये वाला ज्यादा बेहतर है ये तो ज़्यादा अच्छा। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ एन बुक का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू टू प्लस साइन एक्स डी तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा मैं आपको बस इतना ये बताऊँगा कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा साइन एक्स को टी ले लेंगे और साइन एक्स को टी ले लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा डी टी और नीचे बन जाएगा टी प्लस वन और ये बन जाएगा टी प्लस टू तो डी टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू अब इसको पार्शियल फैक्शन से हल करके फाइनली आप जो है पुट कर दीजिए इसका आंसर आपके पास आ जाएगा हल करने के बाद मैं लिख देता हूँ आंसर इसका आता है लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स अपऑन लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स प्लस सी ये, या, ये समझ में आ गया ना इसको करने की जरूरत तो नहीं है ना ये ट्वेल्थ क्लास का लेंदी क्वेश्चन है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव वाली बात नहीं है तो इसको मैं नहीं कर रहा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है वक्रों मतलब कि एंगल्स निकालना है आपके पास में इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एक कर्व है वाई इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है आपके पास में दूसरा कर्व है आपके पास में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको इनके बीच का एंगल निकालना मैं आपको बता दूं दो वक्रों के बीच का कोण उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं यानी कि टेंजेंट के बीच के कोण का बराबर होता है तो सबसे प्याया है आपको ये बिंदु फाइंड करना है कि किस बिंदु पर तो एक काम करिए दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए तो y की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ओके तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आया रूट टू प्लस माइनस रूट टू एक्स की मैंने वैल्यू मेरे पास आ चुकी है प्लस माइनस रूट टू और वाई मैं लेता हूँ तो वाई कितना आ जाएगा वाई रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा तो एक पॉइंट मेरे पास बन गया प्लस रूट टू कॉमा टू क्योंकि चार ऑप्शन में मेरे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो मैं एक आंसर लेकर के चेक करूँगा दो आंसर आएंगे ज़रूर मतलब एक पॉइंट आएगा मेरे पास माइनस रूट टू बट उसको मैं चेक नहीं करूँगा पहले मैं प्लस रूट टू कामा रूट टू कामा टू में चेक करता हूँ ये क्या आ गया मेरे पास ये मेरे पास आ चुका है वो पॉइंट जिस पर हमें एंगल निकालना है दोनों के बीच का ये पॉइंट आ गया है अब हमें निकालनी है स्लोप तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं एम वन निकालते हैं तो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके एम वन निकलेगा कितना फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया कितना माइनस का टू एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है रूट टू तो हो गया कितना माइनस टू रूट टू और एम टू इस वाले को डिफरेंशिएट करके कितना हो जाएगा इक्वल टू अगेन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा तो ये कितना हो गया हमारे पास में ये हो गया प्लस का टू रूट टू ओके अब देखिए टेन थीटा दोनों दो, दो रेखाओं के बीच का कोण टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन इन टू एम टू ये होता है दोनों के बीच का एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण सो टेन थीटा इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन सो वट इज़ एम टू हियर टू रूट टू और माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस टू रूट टू अपॉन वन प्लस एम टू वन प्लस टू टू ज़ा फोर फोर टू जा एट सो इट विल बिकम फोर रूट टू अपॉन वन प्लस एट कितना हो गया भाई साहब वन प्लस एम वन इंटू एम टू बट एक प्लस में है एक माइनस में है तो वन माइनस एट हो जाएगा सो so अपॉन में आएगा माइनस सेवन बट मॉड पकड़ के उसको क्या कर देगा प्लस सेवन कर देगा सो टेन थीटा इक्वल्स टू फोर रूट टू बाई सेवन सो थ्रीटा इज इक्वल टू टेन इन फोर रूट टू बाई सेवन दैट इज करेक्ट आंसर ओके डन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Next question is if y is equals to if y is equal to sine to the power p theta if y is equal to sine to the power p theta into cos to the power q theta q theta then y attains maximum value. एट वॉट वैल्यू ऑफ थीटा मतलब वाई जो है अपना अधिकतम मान थीटा के किस कोण पर प्राप्त करेगा ठीक है आपको ये पूछा जा रहा है कि वाई जो है अपना अधिकतम मान किस कोण पर थीटा के प्राप्त करेगा ये आपको बताना है चलिए करते हैं हल इसको मतलब हमको क्या चाहिए टेन फोर्टी फाइव डिग्री नहीं आपको थीटा की वैल्यू बतानी है ऑप्शन देख लीजिए आपने ऑप्शन अभी देखे नहीं है इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टेन इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू सेकेंड टेन इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू टेन इनवर्स अंडर रूट क्यू बाई पी तीसरा है टेन इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू स्क्वायर एंड दूसरा चौथा है टेन इनवर्स अंडर रूट क्यू स्क्वायर बाई पी ये चार इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं अब देखिए एक तो तरीका ये है कि आप पी और क्यू की वैल्यू वन वन ले लो बट वन वन ले करके आपका ऑप्शन दो फंस जाएंगे दोनों फंस जाएंगे है ना अगर आप वन और टू लेते हो तो फिर शॉर्ट ट्रिक आपकी लग सकती है अगर आप वन टू ले लो या टू वन ले लो तो फिर आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे शायद काम कर जाए हम्म, तो वन टू में आपकी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी और टू वन में आपकी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी चलिए तो पहले इसको मैं बड़े मेथड से करा देता हूँ फिर मैं इसके बाद इसको छोटे मेथड से कराऊंगा तो देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर हमारे पास y दिया हुआ है तो हम डी बाई डी थीटा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट फंक्शन शाइन टू पावर पी थीटा इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन q कॉस टू पावर q माइनस वन थीटा और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा ये लीजिए तो प्रथम गुण द्वितीय फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस टू दी पावर क्यू थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा पी साइन टू पावर पी माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा चलिए यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास में क्यू तो बाहर आ ही गया माइनस क्यू माइनस क्यू और अब यहाँ पे हमारे पास साइन टू दी पावर साइन पी थीटा है तो साइन की पावर पी प्लस वन थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू माइनस वन थीटा प्लस कॉस की पावर पी बाहर आ गया यहाँ पे कॉस की पावर क्यू प्लस वन थीटा इंटू साइन की पावर पी माइनस वन थीटा अब हम ये काम करते हैं यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं जो कि हमको हेल्प करे तो देखिए यहाँ पे p प्लस वन है और यहाँ पे p माइनस वन है तो यदि मैं साइन की पावर p माइनस वन थीटा है की पावर क्यू प्लस वन पी माइनस वन कॉमन ले लू तो कुछ खास बन जाएगा क्या साइन की पावर पी इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ गलत तो किया नहीं है माइनस साइन की पावर पी थीटा इंटू क्यू इंटू कॉस की पावर क्यू माइनस वन थीटा साइन थीटा और कॉस की पावर क्यू थीटा इंटू पी इंटू साइन की पावर पी माइनस वन इतना हो गया तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो वो उनको हम बाहर एटलीस्ट कॉमन निकालते हैं यहाँ से देखिए पी माइनस वन कॉमन आ रहा है तो यदि मैं कॉमन ले लूँ तो साइन की पावर पी माइनस वन थीटा तो पी माइनस वन कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बच गया देखो पी माइनस वन के बाद पी आएगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा क्यू और क्यू की कॉस की पावर क्यू माइनस वन थीटा भी बाहर लूँगा तो देखिए क्यू माइनस का क्यू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे मेरे पास पे क्या है क्यू माइनस वन है और क्यू माइनस वन से क्यू प्लस वन दो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे भी, भी मेरे पास क्यू q, q नहीं पी cos स्क्वायर थीटा ओके ओके सपोर्ट कर रहा है ठीक तो ये आ गया अपने पास d बाई थीटा और मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए हम इसको किससे कंपेयर करते हैं जीरो से तो देखिए क्योंकि ऑप्शन टेन की फॉर्म में आ रहा है तो इससे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि साइन इक्वल टू जीरो कॉस इक्वल टू जीरो ये हमको टेन की फॉर्म में आंसर दे सकता है सो आई कैन राइट पी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना ज़ीरो सो क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा टेन और यहाँ पे चला जाएगा पी बाई क्यू तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट पी बाई क्यू सो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट पी अपॉन रूट क्यू तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ए डन क्लियर है <laughs> सो ओके गाइज आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं दिस इज़ लोकेश सर साइनिंग ऑफ थैंक यू हैव अ गुड डे